कयामत के दिन जब सारे इंसान मर जाएंगे, शैतान भी मर जाएगा, सातों आसमान टूट जाएंगे, सातों आसमान के फरिश्ते भी मर जाएंगे, तब अल्लाह पूछेगा कौन बाकी। मलकुन मौत कहेंगे अर्श के चार फरिश्ते और हम चार फरिश्ते बाकी, सब खत्म हो गए। अल्लाह हुक्म देगा कि जिब्राइल और मीकाईल को मार दे। अर्श सिफारिश करेगा कि या अल्लाह जिब्राइल और मीकाईल को बचा ले। अल्लाह कहेगा कि मेरे अर्श के नीचे मौत है और सबको मौत का मजा चखना है। और जिब्राइल, मीकाईल और अर्श के चारों फरिश्तों को मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी। इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं और इसराफील। अल्लाह इसराफील अलैहिस्सलाम को मौत का हुक्म देगा। इसराफील के हाथ से सूर छूट जाएगा और अर्श से मिल जाएगा, और इस तरह इसराफील अलैहिस्सलाम को भी मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी। इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे अब बस मैं बाकी। अल्लाह कहेगा तू भी मेरी मखलूक है, तू भी मर जा। इसराफील अलैहिस्सलाम डर जाएंगे और ऐसी चीख मारेंगे कि जमीन और आसमान थर्रा जाएंगे। लेकिन अल्लाह के हुक्म से दुनिया को मौत का मजा चखाने वाले मलकुन मौत को भी मौत आ